हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस में। मैं आप सभी के लिए हिंदी दिवस पर एक बहुत ही शानदार भाषण लेकर आई हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह भाषण ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभा में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि एवं उपस्थित सभी सम्मानित गण तथा सभी छोटे एवं बड़ों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब की पहचान है हिंदी, मातृभूमि की शान है हिंदी। आज का दिन बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत देश में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। हिंदी भाषा सबसे सरल, सहज और मृदु भाषा है। यह भाषा अपनी अभिव्यक्ति करने का सबसे आसान माध्यम है। हिंद देश के हम, हिंदी ही हमारी बोली है। सहज, सरल, आसान, हिंदी ही सबसे भोली है। 14 सितंबर 1953 से प्रतिवर्ष हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का सबसे मुख्य कारण यह है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे और यही कारण है कि आज हिंदी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत 41% से बढ़कर 43% हो गया है। लेकिन आज की आधुनिकता को तेजी से बढ़ता हुआ देखकर इस बात का एहसास होता है कि आज हिंदी दिवस को और अधिक जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन आ रहा है। लोग अपने बच्चों को हिंदी मीडियम के बजाय अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ाने पर अधिक जोर दे रहे हैं और वो ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि आज की आधुनिकता और डिजिटलाइजेशन के दौर में उन्हें यह लगता है कि उनका बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। अन्य भाषाओं का कड़वा पथ है, सबसे कलात्मक हिंदी का रथ है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर संवाद के बड़े माध्यम के रूप में सामने आती है। आज भी हिंदी भाषा पूरे विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में से तीसरी भाषा है। 14 सितंबर को हमारे स्कूल की तरह ही सभी भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में भी इस दिन को सम्मान पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में कविता, निबंध, कहानी तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। न केवल स्कूलों में बल्कि कई संस्थानों और कार्यालयों में भी हिंदी दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना भी ज़रूरी है, परंतु अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए और सभी भाषाओं में अपनी राष्ट्रभाषा को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे अपने विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का सुअवसर दिया। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।